नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। सोमवार तड़के आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। जिन नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उसमें रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, सनी अग्रवाल समेत कई का नाम शामिल है। फिलहाल इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है और कांग्रेस मीडिया विभाग की ओर से भी रेट की जानकारी नहीं होने की बात कही गई है। गौरतलब है कि 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। ऐसे समय में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। 24 फरवरी को रैली करने के लिए मेघालय जाने वाले हैं, लेकिन जिस स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली का आयोजन होना है उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण ये बताया गया है कि स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए इतने बड़े स्तर पर रैली करना ठीक नहीं है। वहीं अब इस सारे मामले को लेकर स्टेडियम में रैली की जगह ना दिए जाने पर भाजपा राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी वाली सरकार राज्य में तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी की लहर को रोकना चाहती है और इसीलिए ऐसे कदम उठा रही है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि उद्घाटन हो जाने के बाद भी रैली के लिए स्टेडियम का नहीं मिल पाना बताता है कि विपक्ष किस मंशा के साथ काम कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि स्टेडियम के उद्घाटन के 2 महीने बाद सरकार इसे रैली के लिए अधूरा और अनुपलब्ध बताती है, इस बात से हैरानी होती है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल तेम्बे ने कहा कि खेल विभाग ने बीजेपी को बता दिया है कि स्टेडियम में इतनी बड़ी सभा का आयोजन उचित नहीं होगा क्योंकि वहां पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में वहां रखा गया सामान सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। राजस्थान के 2 युवकों को अगवा कर हरियाणा के भिवानी में बुलेरो में जिंदा जलाने के मामले को लेकर हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए आरोपियों को बचाने को लेकर सवाल पूछा है। इसके साथ ही अवैसी ने इस हत्याकांड में आरोपी का गृह मंत्री अमित शाह से कनेक्शन का भी जिक्र किया। अवैसी ने कहा कि भिवानी हत्याकांड में जिन 5 लोगों का नाम FIR में आया है उनमें से एक आरोपी की फोटो अमित शाह के साथ सामने आई है जिसमें वह शाह के साथ खड़ा है। हालांकि तस्वीर 2 साल पुरानी है जिसमें उनके बर्थडे पर उनके साथ वह शामिल है। AIMIM प्रमुख ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार ऐसे समूहों को संरक्षण देती है, पुलिस उनसे डरती है। एक पूरा ग्रुप है जो गौरक्षा के नाम पर लोगों को डराता है। इन्होंने जुनैद और नसीर को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। आरोपियों में एक मोनू है और ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार का चहेता है। उसको हरियाणा की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है। वो जहाँ भी जाता है पुलिस उसके पीछे चलती है। इसके पहले उसने वारिस नाम के एक आदमी को पकड़ा और उसको मारा पीटा था। उसका उसने फेसबुक पर लाइव चलाया और जब उसकी मौत हो गई तो फेसबुक से उस वीडियो को हटा दिया। आपको बता दें कि भिवानी कांड में राजस्थान के घाटमीका गांव के रहने वाले 2 युवकों नसीर और जुनैद का बुधवार 15 फरवरी को अपहरण कर गुरुवार 16 फरवरी की सुबह हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू कस्बे के गांव बारवास के पास एक जली हुई गाड़ी में मानव कंकाल मिला है और इन मानव कंकालों को नसीर और जुनैद का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों मानव कंकालों को कब्जे में लेकर DNA जांच के लिए भेजा है और आरोप है कि इन दोनों के साथ मारपीट करने के बाद इन्हें जिंदा जला दिया गया था और जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से 2 बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह 9:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक मुंबई के बालासाहेब ठाकरे भवन में बुलाई गई है जिसमें शिवसेना के सभी 40 विधायकों को हाजिर रहने का फरमान जारी किया गया है। बैठक में कई अहम मुद्दों के साथ महाराष्ट्र के आगामी बजट सत्र, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के अपील के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल के लिए एकनाथ शिंदे गुट के हित में फैसला सुनाया है जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। इसके बाद शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण शिंदे गुट को सौंपे जाने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। इस बीच पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब शिंदे गुट
शिवसेना भवन पर भी दावा करेगा और इसी को लेकर आज सुबह 9:30 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे भवन में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बीच आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी का नाम और निशान बचाने की आखिरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। ठाकरे गुट द्वारा चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में ठाकरे गुट आज पार्टी का नाम और निशान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा शिवसेना के नाम और चिन्ह का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आने के बाद से उद्धव ठाकरे अपनी विरासत को डुबोने की वजह से लगातार निशाने पर हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद से ही भाजपा नेता लगातार ठाकरे पर हमलावर हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो वे सभी विचारधाराओं को भूल गए और शरद पवार के पैरों पर गिर गए और शरद पवार के पैरों में गिरकर उनसे सीएम बनाने का अनुरोध किया। शाह ने आगे कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच नहीं है और हम अपनी विचारधाराओं को कभी नहीं भूलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरे जाने के बाद उन्होंने इसका जवाब देते हुए अमित शाह पर फिल्म मिस्टर इंडिया का डायलॉग मुगैम्बो खुश हुआ का इस्तेमाल करते हुए पलटवार किया है। इतना ही नहीं, ठाकरे ने इस मामले में पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1993 के सीरियल ब्लास्ट के दौरान शिव सैनिकों ने मुंबई को बचाया था। उन्होंने कहा कि जो अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तब वे कहां थे पता नहीं, अब वे 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तब यह 56 इंच का सीना कहां था, उसे पसीना आ रहा था। अपने पिता की विरासत को लेकर बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के साथ महीनों से चल रहे लंबे संघर्ष का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि कभी लोग रैलियों में मोदी का मुखौटा पहनते थे, अब यह पीएम मोदी है जो बालासाहेब ठाकरे के मुखौटे के पीछे पड़े हुए हैं। मुंबई के अंधेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि कल कोई पुणे आया, उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में चीजें कैसी चल रही हैं। जब किसी ने कहा कि यह अच्छा दिन है क्योंकि शिवसेना का नाम और चिन्ह हमारे साथ आए गुलाम को दिए गए, इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, मुगैम्बो खुश हुआ। ठाकरे ने कहा कि आज के ये मुगैम्बो वास्तविक मुगैम्बो के जैसे हैं। ये चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें ताकि वे सत्ता का आनंद उठा सकें। इसके साथ ही ठाकरे ने अमित शाह के इस आरोप पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी कि सीएम बनने के लिए उन्होंने शरद पवार के चरणों में समर्पण कर दिया। ठाकरे ने कहा, आप मेरे पिता का चेहरा चाहते हैं लेकिन उनके बेटे का नहीं, वह बेटा जो आपके साथ था। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरे सामने चुराया गया धनुष बाण लेकर आएं। मेरे पास मशाल है और हम देखेंगे कि क्या होता है। उनके पास चुराया गया धनुष बाण है लेकिन राम मेरे साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।